के केयर टेकर है इरफान भाई। इसका क्या नाम है इरफान भाई? शेरू है, शेरी है वो। नाज़रीन कनेक्ट टाइम पे खुश आमदीद। बहुत अरसा हुआ आप लोगों से कोई वीडियो शेयर नहीं की गई, तो आज मैं कोरोना के बाद से जो चीज़ें स्पॉट्स ऑन हुए हैं कराची में ख़ास तौर पे, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाएं और एक छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं, ताकि कराची के अवाम जो नॉर्थ नाज़माबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे एक स्कूल है एलेक्सर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो यहाँ आप आएँ। और यहाँ पर एक मिनी ज़ू जो है वो बच्चों के लिए जो है इन्होंने एक यानी सेटअप किया है, तो बहुत अच्छा ज़ू है, तारीफ़ सुनी है। तो आज मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितने जानवर हैं, किस किस तरीके से मेंटेन किया है। और मैं बता दूँ 250 रुपये इसका टिकट है, 250 रुपीज़ अडल्ट का, और 3 साल से सारे जो छोटे बच्चे हैं वो फ्री हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ज़ू में किस तरह के जानवर हैं और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो आज आई हैं, बच्चे खेल कूद कर रहे हैं और हम देख सकते हैं बच्चों के यहाँ झूले भी हैं। ये एंट्रेंस है यहाँ से, और वहाँ उस तरफ इसके साइड पे जो है वो सारे बर्ड्स और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हमारे साथ एलेक्सर ज़ू के जो हैं वो केयर टेकर इरफान साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ सवालात करते हैं और इस ज़ू के बारे में मज़ीद जानते हैं कि कब से इस्टेब्लिश है और क्या ये कैसे आइडिया जो है वो आया जहन में। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम सलाम। तो बताएं कुछ इसके बारे में कि इस्टेब्लिश कैसे हुआ और आप यहाँ कब से हैं और किस तरीके से ख्याल व्याल रखा जा रहा है जानवर का। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़ू कम अज़ कम 5 साल से बना हुआ है,
ये हमारे ओनर बिलाल ख्वाजा का ये जू है, उनको ये शौक है सब। अच्छा, ये सारे जानवर उन्होंने उनके जानवर प्राइवेटली अपने। और ये फिर कैसे ख्याल आया कि आम पब्लिक के लिए जो है ये जू ऐसा इस तरह कुछ करना चाहिए, क्योंकि कराची में वैसे ही बहुत कम ऐसे तफरी मकाम हैं, और ये जो जगह है काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, कुछ ये भी बता दीजिएगा। नहीं, इस जगह के बारे में तो लोग बहुत जानने लग गए, क्योंकि यूट्यूब यहाँ पर हमारी बहुत सारे चैनल में हमारी वीडियो आ चुकी है। कम अज़ कम 2 साल से हमने पब्लिक के लिए, हमने ओनर को बोला था पब्लिक के लिए ओपन करें। अच्छा, तो यानी 2 साल से पहले ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं था। ठीक है, और ये 250 रुपये का आप लोगों ने इस पे जो कॉस्ट लगाई है अडल्ट पे 250, तो ये भी इसी लिए कि मेंटेनेंस वगैरह की कॉस्ट निकालने के लिए? नहीं, मेंटेनेंस तो 250 से तो ज़्यादा उसकी मेंटेनेंस है, कम अज़ कम 1.5-2 लाख का तो ये गोश्त खा जाता है। अच्छा, कितना गोश्त खा जाते हैं तो कम अज़ कम ये 15 किलो एक टाइम का खाता है। एक टाइम का 15 किलो गोश्त। तो जो टिकट की मेंटेनेंस आपके पास, एक यहाँ पे अभी इनके दो हमने बच्चे भी देखे, 6 बिकेट हैं। बिकेट 6, ओके। तो 6 नाज़रीन यहाँ पे टाइगर्स हैं, तो टिकट्स हैं तो हमारा इसका कॉस्ट आ जाती है खाने पे और वर्कर्स पे। और बताएं लोगों का, बताएं कैसे लोग आ रहे हैं, इंजॉय करते हैं जगह पे? तो इंजॉय करते हैं, खासतौर पर यहाँ पे जानवर सबसे अच्छे हैं और यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। चलें, बहुत शुक्रिया इरफान साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो गाइस, ये थे इरफान साहब यहाँ एलेक्जर जू के केयर टेकर, जिनसे हमने आपकी बात करवाई। तो एक बहुत अच्छा स्पॉट है और बड़ी अच्छे यहाँ पे जानवर हैं, मौजूद हैं। आप आएँ कराची शहर में, ये एक हिडन स्पॉट है कह लें नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ, तो ज़रूर आएँ और यहाँ आके विज़िट करें। अगली वीडियो तक के लिए नईम सिद्दीकी को इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।